नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के जो आईएएस कोचिंग सेंटर में जो डेथ्स हुई है, जिसमें कि तीन छात्र मारे गए हैं और डूबकर वो छात्र मर गए, अब उसको लेकर राजनीति गर्मा रही है। आज कांग्रेस के मानिकम टैगोर ने संसद में एडजॉर्नमेंट नोटिस दिया है कि इसको लेकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि ये ट्रेजेडी कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी है। और उल्टा बीजेपी भी आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तो संसद के अंदर, संसद के बाहर आईएएस कोचिंग सेंटर में जो मौतें हुई हैं तीन छात्रों की, उसका मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। उधर बीच जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक आईएएस कोचिंग के जो मालिक हैं और दूसरे जो उनके मैनेजर थे, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब सवाल ये है कि किसकी गड़बड़ी से ये छात्र मारे गए, आज इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी। उल्टा अभी क्या हो रहा है कि जितने और कोचिंग सेंटर्स थे उन पर धरपकड़ बढ़ गई है और उनको उनकी जांच चल रही है कि क्या हो रहा है सबके बेसमेंट में। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की हरकत करने से क्या जो इन ये परिवार है जिनके बच्चे मारे गए हैं, क्या उनको क्लोजर मिल पाएगा, क्या उनको न्याय मिल पाएगा। और असली प्रॉब्लम ये है कि पानी कैसे भरा बेसमेंट में, आखिर पानी कैसे आया। क्या आईएएस कोचिंग सेंटर का जो मालिक है वो ये बता सकता है कि वहां पर पानी कैसे आया। और फिर सवाल ये उठता है कि जो नालियां हैं, आसपास की जो नालियां हैं, उसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। एक वीडियो भी जो सौरभ भारद्वाज ने अभी शेयर किया था कि वो डीसिल्टिंग के लिए अफसरों को वो कहते रह गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सुनी नहीं। तो अब सारी बातें यहां पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, यानी कि दिल्ली बनाम केंद्र सरकार के की पूरी जो लड़ाई है वो इस तरीके से उभर रही है। और उधर छात्र जूझ रहे हैं कि छात्रों को न्याय कैसे मिले, छात्रों को कॉम्पेंसेशन कैसे मिले, आखिर आज जवाबदेही किसकी बनती है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान है, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अकील खान, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकील जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अनिल जी, आपका स्वागत है। और प्रशांत कमल, युवा हल्ला बोल से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आपका स्वागत है। आपका नेटवर्क, प्रशांत, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं अकील जी से शुरू करती हूँ। अकील जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। आज क्या हो क्या रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? अगर आज तीन छात्रों की मौत आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर होती है, वो भी बेसमेंट के अंदर पानी भरने से, तो इस तरीके की राजनीति क्यों हो रही है बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच में? देखिए नीलू जी, ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है दिल्ली के लिए, जो देश की राजधानी है। और इस देश की राजधानी में जिस तरीके से, देखिए मैं पॉलिटिकली उसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा, मैं ऑब्जेक्टिवली बात करूंगा। और ऑब्जेक्टिवली बात यह है कि भारद्वाज जी, जो हमारे सौरभ भारद्वाज जी मिनिस्टर हैं, वो एक साल से बोल रहे हैं, एक साल से उन्होंने इतने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंट्रोल है एलजी के पास, एलजी सक्सेना साहब के पास में पूरा कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने एक लॉ लेकर के आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिफाइन कर दिया था कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, और उस डेफिनेशन पे काम करना चाहिए था। अगर दिल्ली के अंदर जो है डेमोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मेंटेन करना है और दिल्ली के लोगों को सही जो है एडमिनिस्ट्रेशन देना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डिसीजन, लेकिन इन्होंने एक लॉ लेकर के आए हैं जो टोटली अनडेमोक्रेटिक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वो उसको भी उन्होंने डिले कर रहे हैं। तो मेरा अपना सिंपल वे में मानना है कि दिल्ली के लोग परेशान जो हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है मोदी सरकार। मोदी जी अब इतना, मतलब इतने दुनिया भर के नेता है, तो उन्हें ये जरूरी है कि अकील जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। ये आप लोग कई सालों से इस बात को कहते आए हैं कि हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है, हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आज जिन परिवारों के, एक बार सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा, आप जिन परिवारों के बच्चे आज मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, क्या आप उन परिवारों को आज ये कहेंगे कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम पल्ला झाड़ रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी को सीरियसली कौन लेगा? हमेशा ये तो नई बात नहीं है ना, आप लोग हमेशा यही बोलते हैं कि मोदी सरकार ने नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया, आज हमारे पास ये नियम ऐसा बना हुआ है कि एलजी ने कुछ नहीं किया। आज क्या ये कहने से बात बन जाएगी? आज जो छात्र सड़कों पर, क्या जवाब देंगे? देखिए एलजी साहब क्या बोल रहे हैं, जल्दी साहब का स्टेटमेंट आपने देखा है? एलजी साहब कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया है सरकार ने, इस वजह से ये हुआ है। अब ये बताइए, इतना रिस्पॉन्स
एक स्टेटमेंट देना, तो मैं तो कहूंगा ये तो काले अंग्रेज हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ना ना इन्होंने कोई इलेक्शन फेस किया, ना जनता को फेस किया है। ये कुछ भी उठते हैं सुबह और उठ करके कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। आप ये बताइए, जिनको इनको बोला गया था, इनको रिक्वेस्ट की गई थी, कितनी बार रिक्वेस्ट की सौरभ भारद्वाज जी ने कि सर ये जो है चीफ बोले छुट्टी पे चले गए, और उसको जो इंस्ट्रक्शन देना चाहिए उनके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब पूरी अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए, वो एलजी साहब का कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मतलब बस किस तरह से दिल्ली वालों को परेशान किया जाए और उसको ब्लेम किया जाए केजरीवाल जी को। बहुत ही क्रिटिकल फेज है। और मोदी जी देखिए, मोदी जी अगर नहीं एक्शन ले रहे हैं तो मोदी जिम्मेदार है ना, वो पूरे दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है और वो भी उनके नाक के नीचे, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। अकील जी एक मिनट मेरी बात भी सुनिए, आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप किसी की बात ही नहीं सुनते। आप मैं प्रशांत कमल के पास आ रही हूँ, युवा हल्ला बोल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रशांत जी अब ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मोदी की गलती है, ये एलजी की गलती है, एलजी ने कभी भी हमें काम नहीं करने दिया, आज क्या बात बन जाएगी? आज इतने सारे छात्र जो आज सड़क पर हैं, जिन छात्रों के परिवार के जो जो जिन परिवारों के बच्चों की आज मौत हुई है, उनको क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्या चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आज क्या मुंह दिखाएंगी? आज संसद में एडजर्नमेंट नोटिस दी गई इसको लेकर, मणिकम टैगोर ने एडजर्नमेंट नोटिस दी गई, उधर पंजाब के एक एमपी हैं अमर सिंह, उन्होंने भी आज स्थगन का प्रस्ताव दिया कि भाई आप मुआवजे को लेकर और सारी बातें करिए, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे रवैये पर? आज तो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। जी प्रशांत जी देखिए, ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी ऐसे घटनाओं के लिए अभिशप्त है। ये कोई पहली घटना नहीं है, कभी यहाँ बिजली के गिरने से छात्रों की मौत हो जाती है, तो कभी पानी के बहाव से छात्रों की मौत हो जाती है। मतलब न तो जिंदगी में गरिमा है, न मौत में गरिमा है। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जो है ब्लेम गेम का खेल शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूं इसका एकमात्र इलाज है कि जब कोई अच्छा चीज होता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी इसका श्रेय लेते हैं, दिल्ली में कुछ होता है तो केजरीवाल जी लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इस घटना के बाद हत्या का मुकदमा चलना चाहिए प्रधान मुख्यमंत्री केजरीवाल पर, मुख्य सचिव नरेश जी पर और एमसीडी के कमिश्नर पर हत्या का मुकदमा हो, और कोर्ट को ये डिसाइड करने दीजिए कि असली जिम्मेदार कौन है। ये कोई हादसा नहीं है कि हर बार कुछ होगा और आप उसको हादसा करके निकल जाएंगे, और जिसने अपने बच्चे खोए हैं उसको कौन जवाब देगा? हाँ, बोलिए 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 प्रशांत बोलिए। हर बार आप ऐसी घटना से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं बच सकते, आखिर बक हैज टू स्टॉप समवेयर। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है ये तय तो हो। ये हादसा कैसे हो सकता है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी मौत हो जाती है? क्यों? क्योंकि आपने एक निकम्मी सरकार चुनी है जो एक नाली साफ नहीं करवा सकती है देश की राजधानी में। तो ऐसे में तो इसका कहीं ना कहीं तो एक अंत होना चाहिए ना। तो इसका मुझे तो सबसे अच्छा तरीका यह लगता है कि इन चारों प्रमुख लोगों पर, क्योंकि कोई अच्छा चीज होता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी, सिरे किसको जाएगा? इन चारों को जाएगा ना। तो इन चारों पर हत्या का मुकदमा हो और कोर्ट तय करे कि भाई किसकी जिम्मेदारी थी जी। नहीं तो हर बार आप यही कह के निकल जाएंगे क्या? पूरे मुखर्जी नगर में आप देख लीजिए, ऐसी जगह क्लास रह रहा है जहां पे आप सांस नहीं ले सकते, आप बैठ नहीं सकते हैं, पढ़ाई की बात तो छोड़ दीजिए। तो क्या इनको पता नहीं था? आज ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज जी ने ट्वीट किया था, अरे धरना क्यों नहीं दिया आपने? बात बात पे तो धरना देते हैं ना आप, क्यों नहीं धरना दिया? क्यों नहीं नाक में दम किया आपने? चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी को आम छात्र के जिंदगी से कोई मतलब नहीं। प्रशांत एक मिनट, अकील जी से जवाब ले लेते हैं, आप प्रशांत की बात का जवाब दीजिए कि जब आप हर चीज पे धरना करते हैं तो जब ये चीज नहीं हो रही थी तो आपने धरना क्यों नहीं दिया? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी सर?
अखिल जी बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। देखिए नीलू जी, धरना प्रदर्शन जो है ना, एक लिमिट होती है हर एक चीज की। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब आप डेली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप रोजाना हर मिनट में हर घंटे में धरना देंगे क्या? और ये दिल्ली गवर्नमेंट है अगर, तो दिल्ली गवर्नमेंट की पावर क्या रह गई है? ये जो एनजी साहब जो है वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और वो एक्शन नहीं लेते, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अरे सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात, क्या छात्रों की जान इतनी सस्ती है? आपको लग रहा है आप सिलेक्टिव धरना की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हर बात में धरना देते हैं, ये क्या बात है? नीलू जी, एक साल से भारद्वाज जी बोल रहे हैं, एक साल से ये अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इन पे कान पे जू रेंगी होती ना एलजी साहब के, तो ये हादसा नहीं होता। एलजी साहब बिल्कुल भी अगर आप एक साल से आपके सौरभ भारद्वाज जी इस चीज को रेज कर रहे हैं और किसी ने सुना नहीं, आप कोर्ट चले जाते, आपको कोर्ट जाने से किसने रोका था? कोर्ट से आदेश आप बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ी वहाँ पर जाया जा रहा है, हर चीज को कोर्ट में लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो लॉ बनाया है, मैडम नीलू जी सुन लीजिए, जो लॉ बनाया उसके अंदर सीधा सीधा ये है कि एलजी के पास पावर है, एलजी के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऑफिसर्स आज भी पीडब्ल्यूडी वाले से रिक्वेस्ट की कि भाई चलिए हमारे साथ में सेक्रेटरी से, वो उसको टाइम ही नहीं चलने का, मतलब जाकर के साइट पर देखने का, असेसमेंट करने का, वो टाइम नहीं है। बताइए ना, ये तो हम हो चुकी है डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का माहौल है, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ रही है बीजेपी सरकार, मोदी जी हमारे। अखिल जी एक सेकंड, प्रशांत से एक रिएक्शन लेके फिर मैं अनिल जी के पास जा रही हूं। प्रशांत बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे एक बात, अगर आपके विद योर परमिशन एक बात मैं कह सकता हूं क्या? बोलिए प्लीज बोलिए। ये मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो बात आप यहां टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं, क्या आप जिस बच्चे की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, उसके माँ बाप के आंख में आंख डाल के कह सकते हैं कि हम निकम्मे हैं, हम जो है मजबूर हैं, हमारे बस की नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है? अरे तो आप है क्यों फिर, आपका कोई सुनता नहीं है? तो यहाँ पर आकर के जब कोई हादसा होगा तब आकर के आप कहानी सुनाएंगे, एक साल से हम ये कह रहे हैं, और आप चुके अकेले आए हैं तो हम जो है चुके ये अकेले पड़ जा रहे हैं, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, वो तो आ भी नहीं रहे हैं। जब युवाओं की ऐसी मृत्यु हो जाएगी, हमारे आपके घर में ऐसी घटना हो जाएगी, तो आप यही कहेंगे कि हमारी कोई सुनता नहीं है? ये कौन सी बात हुई? अगर आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए सबके सब, पहले इसको सेटल करिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई जिंदगी में पता ही नहीं रहेगा, दिल्ली वासियों को ये पता ही नहीं रहेगा कि मेरी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। बीजेपी कहेगा कि ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल कहेगा बीजेपी करेगा, तो दिल्ली वासी क्या पागल है क्या? पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, वो क्या बेवकूफ है? बिल्कुल ठीक है। देश की जो इस तरह से मौतें होंगी क्या देश में? बिजली के करंट से युवाओं की मौत होगी? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, अब मैं अनिल जी आपके पास आती हूँ कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सर आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी पे तोहमत लगा रहे हैं, बीजेपी उल्टा सड़क पर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और किसी को सुध नहीं है कि वो छात्रों की जो मौत हुई है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाए, और गाये बगाये शुरू हो गया, उन्होंने बाकी कोचिंग सेंटर्स पर धरपकड़ कर ली है, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये काफी है? आज हम किस मोड़ पर आकर आज ये पूरा देश खड़ा हो गया, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की हरकत हो रही है? देखिए ये तो मैं आम आदमी पार्टी को टारगेट करना अभी इस मामले में मुझको लग रहा है कि अनफेयर है। ये एकदम अनफेयर इसलिए है कि सबको पता है कि दिल्ली का जो एमसीडी है लंबे समय तक उनके हाथ में रहा है। ये जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हैं, वो मामला ये नहीं है क्या कि वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हैं, बेसमेंट ये जो है उसको बना लिया है, कोई सिस्टम नहीं रहने दिया है, ये सब बीजेपी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जब उनके हाथ में रहा है एमसीडी उस समय से है। उसके बाद है क्या कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ है, इसमें कितने कोचिंग ऑथराइज्ड हैं मुझको मालूम नहीं, एकदम मशरूमिंग ग्रोथ है, आराम से आए एक बोर्ड लगाओ, दो चार टीचर कहीं से हायर कर लो फ्री, मतलब ये में बहुत कम कीमत पे, और उसके बाद अनाप शनाप पैसे करो,
बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग दिल्ली में, आपको पता ही है कि वो जो इलाके हैं, लाखों लोग जो है, लाखों युवक अपनी पूरी जवानी खत्म कर चुके हैं। आपको पता होगा कि 22 साल में वो वहां बीए का एग्जाम भी नहीं देता है बिहार में और बाकी जगहों में, और वो आ जाता है दिल्ली और एग्जाम देने, या तो दिल्ली में किसी जगह एडमिशन लेता है, नहीं तो वहां से बाद में एग्जाम देता है, और वहां से 10-10 साल 15-15 साल गरीब माँ बाप का पैसा खर्च करता है, और उसमें से वो जो है सो अपनी जमीनें बेच देता है, पूरी उनकी इकोनॉमी, उनकी लाइफ, उनका सब बर्बाद हो जाता है। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे रिप्रेजेंटेटिव है जो कोलैप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो आलम है, और जो फ्यूचर, मतलब एक ये कहते हैं ब्लीक फ्यूचर, जिसको आप कहते हैं अंधकार में जो भविष्य है युवाओं का, उसका उसका प्रतिनिधित्व करता है इसमें ये आम आदमी पार्टी का, ये बहुत फ्रॉड लोग है। अच्छा, दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी को मैं यहाँ इसमें भी डिफेंड करूंगा कि जो बीजेपी ने वहां क्रिपल करके रख दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, सही कह रहे हैं, एलजी सारा डिसीजन लेता है और जो ऑफिसर्स हैं उसकी सुनते नहीं है आम आदमी पार्टी की, तो वो ऐसी स्थिति में वो मैं नहीं कह रहा कि वो लोग बहुत पक्के हैं, वो लोगों को भी अगर ये समस्या दिख रही थी और ये चीजें थी तो उनको लड़ना चाहिए था, जो भी धरना करना है वो अलग बात है, लेकिन उनको जो टारगेट कर रहा है बीजेपी, उनको कोई मॉरल राइट नहीं है। एक तो एलजी कुछ करने नहीं देता है, दूसरा म्यूनिसिपल ये उन अथॉरिटीज उनके हाथ में लंबे समय से था, सारा अनऑथराइज स्ट्रक्चर उनके ही समय में खड़ा हुआ है, आज बुलडोजर लेकर के जो है पॉलिटिक्स करना चाहता है, वो बुलडोजर लेकर के अल्पसंख्यकों के में गिराने के लिए उसको टाइम था, और इन लोगों को गिराने में उसको क्या टाइम लग रहा है, वो अभी ये क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी आई है, ये इसके पहले तो उनके हाथ में ही था, तो इसीलिए नहीं, और उनको एक मिनट और ये जो है पुलिस उनके हाथ में है, और ये जो अनऑथराइज कोचिंग सेंटर सब चला रहा है, किसी को आपने देखा है गिरफ्तार होते हुए, अब वो जब बच्चे मर गए तब आपको पता चला, हम लोग भी जागते हैं, देखिए मीडिया भी कम, हम लोग भी कम दोषी नहीं है, अभी अब जब मान लिया कोटा में जब होती है तब हमको पता चलता है क्या कि कोटा में क्या चल रहा है, कोटा क्या है, कोटा रिप्रेजेंट करता है कोलैप्स इंडियन ये का। एक टिप्पणी आपसे और लूंगी कि ये आईएएस जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर जो ये चल रहा था, अब इसके एक दो अध्यापक मिसिंग हैं, तो उनका उन्होंने पोस्टर लगा दिया है और बकायदा उन्होंने लिखा है कि मिसिंग, प्लीज इंफॉर्मेशन अगर हो तो कोई बताए, तो लोग उस पर लिख रहे हैं कि भाई चलिए छात्रों के साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि यूपीएससी कोचिंग की आन बान शान रील से लेकर मूवीज तक झंडे गाड़ने वाले अध्यापक 2 दिन से मिसिंग है, हमें उनकी चिंता खाई जा रही है, इस तरीके का पोस्टर उनका निकला है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसका की बयान सामने आ रहा है, अनिल जी उस पर भी आप टिप्पणी लेंगे, फिर अकील जी के पास वापस जाऊंगी, कि उसने कहा एक व्यक्ति ने कि जो भी बेसमेंट में जिस तरह से कोचिंग चल रही थी उसको लेकर उन्होंने 26 जून को एक कंप्लेंट डाली थी तो भी किसी ने सुध नहीं लिया। अब क्या कहेंगे सर इस पर? और एक फिर एक टिप्पणी मैं अकील जी से लूंगी। हाँ बोलिए। देखिए क्या है कि ये बात ये इसमें पूरा सिस्टेमिक जिसको आप कहते हैं कोलैप्स है, और इसका जिम्मेदारी सीधे सीधे मोदी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और दिल्ली में कोई सरकार ऐसी नहीं चल रही है कि बिहार की सरकार है जहाँ की आम आदमी पार्टी का पूरा रूल चल रहा है। एक तो कोई चीज, वो सही कहा अखिल जी ने कि एक कोई चीज बिना इसके डिसीजन के होता नहीं है, क्या मतलब एलजी के फाइल, उसका जितना ऑफिसर्स है वो सबको टाइट करके रखता है, किसी को कुछ करने नहीं देता है। अब उसमें है क्या क्या, ये जो सफाई का भी मुद्दा है, अनऑथराइज स्ट्रक्चर का मुद्दा है, किसका, ये अभी तक तो उन्हीं के हाथ में था ये एमसीडी, तो वो क्या कर रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उस भयावह स्थिति को नहीं देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो क्या कहते हैं एजुकेशन का हाल है। अब ये बताइए कोचिंग सेंटर्स क्या है, कोलैप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोचिंग सेंटर। आपको पता है कि आईएएस वाला आपको यह ध्यान में आ रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, 9th क्लास में पढ़ता है बच्चा और कोचिंग सेंटर जाता है, ये कोचिंग सेंटर का
क्या है, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम पूरा साफ कर दिया है। और इसमें ये पूरा और ये आई थी, मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के भी समय में इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ कोचिंग सेंटर्स हुए हैं, लेकिन उसको और बुरा हाल कर दिया। ये जो ये है क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडुकेशन है, जो उसमें इतनी फीस बढ़ गई है और सारा कुछ बन गया है कि लोग ना ये क्या कहते हैं कॉलेज में पढ़ सकते हैं और उसके बाद कोचिंग सेंटर में उनको एक तरह का मृग मरीचिका जिसको आप कहते हैं वो जाते हैं, क्या कि इसमें करियर बनेगा और उसमें से 10% का भी करियर नहीं बनता है और 90% की पूरी जिंदगी उसके बारे में कोई स्टोरी हो ही है कि ये जो बच्चे हैं वो बच्चे आए इतने पैसे खर्च किए अपनी जवानी दे दी अपनी जिंदगी दे दी और उसके बाद उनका क्या हुआ। एकदम कैलस एक सिस्टम बना है कॉरपोरेट और इनके जरिए। अच्छा कोचिंग सेंटर्स का एक दो लाइन में आपको कहूंगा, कोचिंग सेंटर्स सब क्या है आप जा करके देख लीजिए, उसमें आप अंदर जा करके देख लीजिए, न उनके यहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था है, न पानी का ठीक से इंतजाम है, बच्चे दिन दिन खाने का कोई आसपास में ठीक से इंतजाम रहता है, दूर दूर जा करके या वही जो स्ट्रीट वेंडर्स से खरीद के खाना खाते हैं और बुरी हालत में और रहते किस जगह है वो भी आप, एक एक कमरे में चार चार बच्चे रहते हैं, कोई चीज सुविधा नहीं, तब तो ये इस पर भी बात होनी चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी को टारगेट करके ध्यान भटका रहा है क्या कहते हैं बीजेपी, और ये टारगेट करने की बात नहीं है, उनकी सरकार है दिल्ली में तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। अखिल जी अब ये जो किशोर सिंह कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है ये ही कहता है कि इसने राव को आईएएस कोचिंग द्वारा बेसमेंट का कमर्शियल उपयोग करने के खिलाफ 26 जून को कंप्लेंट डाली थी लेकिन फिर भी सुनी नहीं गई, क्या कहेंगे इस पर। जी अखिल जी अनम्यूट कर लीजिए, अखिल जी अनम्यूट करना होगा आपको, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए। यही देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है ना, आप ये बताइए ये ऑफिसर्स के पास जाएगी कंप्लेंट, जो रिस्पेक्टिव जो उसके जिम्मेदार ऑफिसर हैं, वो जिम्मेदार ऑफिसर जो है वो बेचारे का भी मैं कसूर नहीं कहूंगा, क्योंकि एलजी ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप जितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्रिएट कीजिए, और ऊपर से कोई आपके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई के लिए बोलता है तो मैं उस कार्रवाई को नहीं करने दूंगा। ये हमारे एलजी साहब का इंस्टेंस है और ये एलजी साहब मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लिए दिल्ली के लिए ये कुछ भला कर पाएंगे, ये काले अंग्रेज के काम कर रहे हैं। तो ये मतलब वो इनको तरह से डील कर रही है मोदी सरकार और जिस तरह से बढ़ावा दे रही है एलजी साहब, बताइए अब आप पूरा देश के अंदर कोई निकले कोई भी पता कर ले कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई काम नहीं कर रहा है या निग्लिजेंट कर रहा है, और इतनी बड़ी हादसा हो गया, तीन तीन मौतें होंगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए दिल्ली के अंदर, ये पहली बार मौतें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है कि एलजी साहब अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में जो भी भारद्वाज जी एक साल से बोल रहे हैं जिन्होंने एक्शन लिया नहीं है, अगर वो एक्शन ले लेते और वो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर होनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी एक तरह की त्रासदी है हमारे दिल्ली की कि एक इतने सेंटर में होते हुए इतना मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मिनिस्टर तक की बात नहीं सुनी जा रही है। एक मिनट सुनिए सर, आपके हिसाब से किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसके किसको अकाउंटेबल इसमें हेल्प करना चाहिए, मुझे ये बताइए। नीलू जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये जो काला कानून करके आए हैं जिसमें सिर्फ सारी पावर एलजी को कर दे दी गई है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो बिल्कुल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और उसको डिले करवाया जा रहा है, ये इनके इन प्रकार है बाय हुक एंड क्रूक। ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे देश की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा अटैक है और ये खत्म होना चाहिए और मोदी जी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि ये मतलब दिल्ली के अंदर प्रशासन अच्छा है और एक मैसेज जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश के अंदर एक नई राजनीतिक बदलाव लेकर के आए हैं और उस बदलाव में भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और भ्रष्टाचार सोशल सामाजिक भ्रष्टाचार आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह के भ्रष्टाचार के अटैक है और ये बीजेपी वाले पूरे देश के अंदर ये लागू नहीं करना चाहते हैं। इसका रीजन साफ साफ है
16 लाख करोड़ जो है वो दे दिया इन्होंने, जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिस्ट को उनका माफ कर दिया, और जो करोड़ों करोड़ रुपए जो है देश के बर्बाद होना है उसको कुछ भी उन्होंने अच्छा ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूंगा मैडम कि जो हमारे देश की व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था जो डेमोक्रेसी के ऊपर वर्क करती है, तो उस डेमोक्रेसी को अगर हमें सच्चे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पूरा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही उसको कर सकते हैं। अगर मोदी जी इंटरेस्टेड नहीं है तो देश कहाँ जा रहा है ये आपको पता है कि चार ये तीन छात्रों के लिए मोदी जिम्मेदार है? क्या मोदी को सजा होनी चाहिए? क्या मोदी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए? आप ये कहेंगे अखिल जी? देखिए है बहुत सीरियस बात, देयर इज नो डाउट, ये बहुत ही सीरियस बात है, और इसके लिए जो है हत्या का मुकदमा तो नेचुरली ये कोई बहुत सही चीज नहीं है। इवन में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सीरियसली इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जो पूरा कंप्लीट सिस्टम जो खराब हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दे। इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है हमारे दिल्ली के अंदर कई महीनों से, साल से करते, जब से ये जो आया है लॉ, इस लॉ के आने के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बेचारे मैं एडमिनिस्ट्रेशन वालों को नहीं बोलना चाहूंगा कुछ भी, क्योंकि उनके ऊपर तो तरह तरह के प्रेशर आते हैं, और यही वजह से ये मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है। तो ये मिसमैनेजमेंट को देखना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को, अगर किसी भी स्टेट पे प्रॉब्लम हो रही है ये तो उनकी नाक के नीचे है, उनका खुद का जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम अगर हो रही है और कंटिन्यूअसली हो रही है तो ये इसके ऊपर एक पूरा इन्हें अपना भी एक मतलब अपना कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए अपनी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि भाई इसके क्या रीजन है अगर सचमुच में ठीक करना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं अंतिम कमेंट अनिल सिन्हा से लूंगी कि अनिल जी आप क्या कहेंगे कि आज अकाउंटेबल किसको होल्ड किया जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी को या मोदी सरकार को? और सीधे सीधे इसमें जिम्मेदारी क्या मोदी जी की नहीं बनती? बोलिए, आज बीजेपी भी सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है। ये तो फ्रॉड है, ये एक फ्रॉड है जनता पर कि ये उतर गए वहां पर कि आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, बीजेपी का फ्रॉड है, और उस वो उसके लिए वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, ये तो उसको पूरा कंडेम करना चाहिए कि एलजी जब जो पूरा सब डिसीजन वही लेता है तो इसके बाद वो आम आदमी पार्टी इसमें कहाँ से उस जिम्मेदार हो गई, और उसके अगर है, अगर सब जिम्मेदारी ले रहा है और बकायदा कानूनी तौर पर उन्होंने ये अधिकार हासिल किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी कहाँ से होगी? वो खाली जिम्मेदारी जब आएगा मामला, कोई निगेटिव मामला आएगा तो उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पे दीजिएगा, और जब कुछ रहेगा डिसाइड करने का तो कहेगा कि हमारे पास है। तो बार बार ये बात हो चुकी है कि किसके पास अधिकार है। निश्चित तौर पर यहाँ पुलिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एलजी सब कुछ करता है, सारी जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और अगर मान लिया और एलजी अगर मान लिया वहां पर नाला की सफाई नहीं हो पाई और पानी चला गया, यहाँ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, अगर ये एमसीडी की भी वजह से हुआ तो इसको देखने का काम किसका है? पैसा सेंक्शन करता है एलजी, तो फिर वो पैसा देगा कौन? मतलब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और बीजेपी की है, और बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए देखे ये जो शॉर्टकट है क्या कि अब तीन लोग मर गए तो इसको ही लिए किसको फांसी दिया जाए, इससे बात नहीं बनती। अनिल जी, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स इसी तरीके से इलीगल बिल्डिंग में चल रहे हैं, और आज सब लोग मीडिया पर ये पूछ रहे हैं, जैसे विकास सर है, बहुत बहुचर्चित विकास सर, सब ये कह रहे हैं कि कहां है वो विकास सर, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है किस तरीके से, और क्योंकि उनकी कोचिंग भी इलीगल बेसमेंट में चलती है। तो आज क्या नहीं, एक मिनट, ये जो विकास सर है ना, अरे ये कोचिंग पढ़ाने वाले हैं, और ये तो पूरा ज्ञान देते रहता है हर एक सोशल मीडिया पे, इतिहास से लेकर के भूगोल पर, विकास सर के मुंह से तो एक शब्द मैंने नहीं सुना। हाँ, काहे का, वो तो मोदी का समर्थक है भाई, वो आरएसएस का समर्थक है, इतिहास के बारे में भी बहुत सारी चीजें उनकी देखता रहता हूँ मैं। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई क्या कहते हैं रोमिला थापर और रामचरण शर्मा, अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं वो, कुछ लोगों का आईएएस उन्होंने बना दिया है, ऐसे बहुत लोगों को हमने देखे हैं, वो तो ऐसा बना हुआ है सोशल मीडिया में, उनका बड़े बड़े चैनल्स में उनका चलता है, और बोगस है एकदम,
कोई ये क्या कहते हैं कुछ ठीक है, पढ़ा है उतना जानता है और क्या है, कोई रिसर्च स्कॉलर है क्या स्कॉलर, उसका तो ऐसा अपना बना लिया है उसने इमेज जैसे कि वो कोई बहुत रविन्द्र टैगोर हो एकदम हीरो बना करके। विकास सर का मैं देखता रहता हूँ वीडियो, फ्रॉड है। अभी वो कहाँ है उसको पूछिए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। अब आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगी, कि इसमें जवाबदेही किसकी बनती है, क्या सीधे सीधे मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इन तीन एकदम एकदम सीधे उसको संसद में जवाब देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, इसको होम मिनिस्ट्री को, कि ये जो है ये घटना ऐसे हुई, इसमें कौन दोषी, डायरेक्ट दोषी मतलब जो मान लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने दे रहा है उस इलाके को, मैं उसका जो पुलिस ऑफिसर है, उसका वो जो क्या कहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये सब पर उन लोगों पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और उसके बाद जो बाकी ये हादसा है, इस ऐसे हादसों पर अगर हम नीजर के रिएक्शन देंगे कि किसी को फांसी चढ़ा दो, तो हम लोग रूल ऑफ लॉ को खत्म करेंगे। इसीलिए इस तरह का हम लोग नहीं डिमांड करना चाहिए। वो रोड पर बच्चे कर सकते हैं, उनको पता नहीं है, इमोशन में बोल सकते हैं, हम लोगों को इस तरह की इरेस्पॉन्सिबल बातें नहीं करनी चाहिए। तीन लोग डूब करके मर गए, मामला इतना है, डूब करके मर गए, ये मतलब इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस है, कोलैप्स है। उसमें किस ऑफिसर्स ने करप्शन, पैसे लेते होंगे निश्चित तौर पर, ऐसे इंस्टीट्यूट चलना है क्या? और काउंसिल तो वो उनको फिक्स करिए, उनको उनको उन धाराओं के तहत जेल ले जाइए। अब इसमें अगर उसको हत्या का मामला चलाओ, इसको क्या कहते हैं, इसका ये एक हादसा है जो इनके नेग्लिजेंस से हुआ है, तो इसके हिसाब से उनको कानून के हिसाब से, हम लोगों को रूल ऑफ लॉ बनाए रखना है। हम लोग कोई क्या कहते हैं ये जो स्ट्रीट जस्टिस नहीं कर सकते ना, कंगारू कोर्ट नहीं बनाना है ना, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को रिस्पॉन्सिबिली बात करनी चाहिए। और जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग मर गए, तब हमको ये सवाल उठाना चाहिए कि वहां पर कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ व्यवस्था कैसी है, वो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है, ऑथराइज्ड मकान है, वो जो इलाके हैं उनकी कैपेसिटी मतलब डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की, वो अलाउ करता है क्या, इतने छात्र रहते हैं वहाँ एक सप्ताह रह सकते हैं, वहाँ इटरीज कितने हैं, खाने के लिए कितना व्यवस्था है, ये सारा है, उनको सारी सुविधाएं देने का दायित्व किसका है, ये गवर्नमेंट का दायित्व है। अगर लड़के पढ़ने के लिए, हम लड़कों को आप दोष नहीं दे सकते, वो जो है बिहार से सत्तू बांध करके दिल्ली में अगर अपने भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी कोई गलती नहीं है, वो क्या किन परिस्थितियों में, वो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि घर की जमीन बेच करके वो आता है, उसको कोई सुविधा नहीं, वो तो लग रहा है जैसे नागरिक ही नहीं है देश का। और ये आम आदमी पार्टी को एक बात के लिए मैं जरूर दोष दूंगा कि वो जो है पॉलिटिक्स, ये इतनी गहरी समस्या है, उस पर उसकी नजर नहीं गई पॉलिटिकली, ये इंस्टीट्यूशन वगैरह सब ठीक है और सारी बेमानियां हुई, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए लड़ने का काम उसने तो ले लिया है सारा ठेका, क्या कहते हैं दिल्ली की राजनीति का, और केजरीवाल जी ही सुधारेंगे देश को ऐसा दावा करती है, तो वो क्या कर रहे थे अभी तक, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका फेलियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और देखेंगे कि इसमें जवाबदेही कैसे तय होती है, लेकिन फिलहाल जो तीन बच्चे जो छात्र जिनकी मौत हुई है, आज भी उनका परिवार जूझ रहा है कि उनके बच्चे परिवार के चले गए क्यों, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही थी, कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही थी, और मनमाने तरीके से ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, इस वजह से वहां पर जलभराव हुआ और उसमें डूबकर इन बच्चों की मौत हो गई। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां से प्रधानमंत्री का ऑफिस, प्रधानमंत्री का घर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अकील खान जी थैंक यू सो मच, अनिल जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।